जब हमें स्नैक्स खाने का मन करता है तो कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या खाया जाए, क्योंकि अगर आपको फिट रहना है तो आपके स्नैक्स भी हेल्दी होने चाहिए, बट हेल्दी में क्या खाया जाए। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड एनर्जी बॉल्स रेसिपी। इन एनर्जी बॉल्स को आप स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, ये आपको फुल भी रखेंगी और हम सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे, और जिन इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करेंगे उससे आपको हेल्दी फैट्स, गुड कार्ब्स और थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज किड्स कैन ईट इट टू। आई लव दीज एनर्जी बॉल्स एंड आई एम श्योर यू विल लव देम टू। सो लेट्स स्टार्ट। As the name says, energy balls. So first ingredient हम use कर रहे हैं oats, और oats को हम medium flame पे roast करेंगे 4 to 5 minutes के लिए without using any oil. So oats हमारे roast हो चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा time तक इसको नहीं रखना, और ओट्स को हम रख देते हैं एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। ओट्स के बाद अब हम आलमंड्स एंड वॉलनट, यानी बादाम और अखरोट, इन दोनों को भी मीडियम फ्लेम पे सेम तरीके से रोस्ट करेंगे। बट अगेन हम ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं। आलमंड्स और वॉलनट हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ मिक्स सीड्स लिए हैं, उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ मिक्स सीड्स लिए हैं, अगर आपको सारे सीड्स नहीं मिले तो आप फ्लैक्स सीड्स या फिर आपको वाटरमेलन सीड्स, मेलन सीड्स, आपको जो भी मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। Let's roast them for 2 to 3 minutes. Almonds और walnuts जो हमने roast करके रखे थे उसको अब हम मिक्सी में grind कर लेंगे। We are all set now. Let's make the balls. तो बाउल में हम डाल रहे हैं अपने रोस्टेड ओट्स, रोस्टेड सीड्स एंड रोस्टेड आलमंड्स एंड वॉलनट। मैं पर्सनली इनको थोड़ा कोर्स रखती हूँ, थोड़ा इस तरीके से, बट आप चाहें तो इसका पूरा पाउडर फॉर्म भी बना सकते हैं, सो इट्स योर चॉइस। अब एनर्जी बॉल्स हैं तो थोड़ा मीठा तो चाहिए, बट हम शुगर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने 200 ग्राम्स डेट्स ली हैं जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर गिविंग इट अ स्वीट टेस्ट। 2 spoons ऑफ हनी, हम थोड़े से ऐड कर रहे हैं ड्राइड ब्लूबेरीज, सम ड्राइड क्रैनबेरीज, ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल हैं। 2 spoons कोको पाउडर, थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए, और बहुत थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। एंड नाउ वी विल मिक्स इट। मिक्स करने के लिए अच्छे से आपको थोड़ा सा हैंड्स का यूज़ करना पड़ेगा, सो मेक श्योर यू क्लीन देम प्रॉपरली, और ये मिक्सचर कुछ इस तरह का बन जाएगा। और अब हमें सिंपली इस मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। एंड ट्रस्ट मी, दे आर रियली डिलिशियस।
सो हियर आर आर यम्मी एनर्जी बॉल्स. दे आर वेरी टेस्टी, ईजी टू मेक और साथ में ये बहुत हेल्दी हैं क्योंकि हमने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया और शुगर के भी सिर्फ हेल्दी ऑल्टरनेटिव यूज़ किए हैं लाइक डेट्स एंड हनी. आप मेरे कहने पर इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये रेसिपी रिकमेंड कर सकते हैं. आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू इट नाउ बिकॉज हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट बनाते रहेंगे. Thanks for watching and I'll be back with next video very soon. And as I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.